हेलो मेरे प्यारे दोस्तों दोस्तों मैं फिर से आ गया हूँ आपके सामने 10th पास वालों के लिए या 10th अपियरिंग वाले बच्चों के लिए रेलवे के लिए एक बेहतर ही बहुत ही बेहतर सा स्कोप लेकर के। अगर आपने 10th के एग्ज़ाम दिए हैं या 10th पास कर ली है तो रेलवे आपको बढ़िया से नौकरी देगा, बुला करके नौकरी देगा। कैसे देगा दोस्तों? अगर आपने 10th पास कर ली है, पहली बात तो ध्यान रखना, आपको सीधे 10th पास करने के बाद कोई रेलवे में नौकरी नहीं मिलेगी। आज के बाद ग्रुप डी की नौकरी भी नहीं मिलेगी, क्योंकि दोस्तों रेलवे ने नोटिफिकेशन निकाल दिया है कि आज के बाद, मतलब पिछले 8-10 महीने पहले भी नोटिस आया था, वो नोटिस 3-4 बार सर्कुलर हो चुका है रेलवे बोर्ड के अंदर कि अगर आप 10th पास हो और हमने ग्रुप डी की वैकेंसी निकाली है तो आने वाली ग्रुप डी में दोस्तों आईटीआई नेसेसरी कर दी है, कंपलसरी कर दी है आईटीआई। यानी कि अब अगर आपको ग्रुप डी की वैकेंसी चाहिए तो आपको ग्रुप डी की जॉब चाहिए तो आपको आईटीआई कंपलसरी है। अब तक क्या होता था, केवल 10th पास वालों के लिए ग्रुप डी की वैकेंसी हुआ करती थी, अब 10th पास के साथ में क्या होना चाहिए, आईटीआई। ठीक है, तो अब बात करता हूँ आपको जॉब कैसे मिलेगी। दोस्तों ग्रुप डी की वैकेंसी हो, दोस्तों आईटीआई करने से एक सबसे बड़ा फायदा यह रहेगा आपका, आप 3 चीज़ों के लिए एलिजिबल हो जाओगे। पहली क्या, ग्रुप डी, दूसरी कौन सी, टेक्नीशियन, तीसरी कौन सी, एएलपी, असिस्टेंट लोको पायलट। ठीक है, ग्रुप डी में भी आईटीआई नेसेसरी है, इसमें भी नेसेसरी है, इसमें भी नेसेसरी है, तो तीनों की तैयारी हो जाएगी एक ही साथ। अब बात करते हैं तैयारी कैसे करनी है। अगर आप आईटीआई में एडमिशन ले रहे हो या लेना चाहते हो या ले चुके हो तो आईटीआई के साथ ही इनकी तैयारी करोगे दोस्तों, सबसे बढ़िया रहेगा। कैसे तैयारी करनी है, चाहे इसकी तैयारी करो, चाहे इसकी तैयारी करो, चाहे इसकी तैयारी करो, सबका कॉमन सब्जेक्ट है, सबका कॉमन सिलेबस है। तैयारी कैसे करनी है दोस्तों, तैयारी के लिए आपको सबसे पहले पढ़नी है मैथ्स। एक तो पढ़नी है क्या, मैथ्स। एक क्या पढ़नी है आपको, रीजनिंग। एक क्या पढ़नी है आपको, साइंस। और एक क्या पढ़नी है आपको, जीके, यानी कि करंट अफेयर्स। मैथ्स की दोस्तों कोई सी भी बुक परचेज करो, जो आपको अच्छी लगे वो बुक परचेज करो। साइंस की, रीजनिंग की आपको जो अच्छी लगे वो बुक परचेज करो, साइंस की जो अच्छी लगे वो बुक परचेज करो, और जीके करंट अफेयर्स की जो बुक अच्छी लगे वो परचेज करो। साथ में आप जो आईटीआई कर रहे हो, आईटीआई वाला सब्जेक्ट बहुत अच्छे से अभी से पढ़ लेना है, बाद में कोई दिक्कत नहीं आएगी। क्योंकि जब CBT 2 होता है तो उसके दो पार्ट होते हैं, एक पार्ट में आपसे ये वाले इसमें से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और एक पार्ट आपका टेक्निकल सब्जेक्ट होता है। अगर आपने इलेक्ट्रिशियन से आईटीआई करी है तो इलेक्ट्रिशियन थ्योरी ही उस पार्ट में पूछी जाएगी, और वो पार्ट जो है ना दोस्तों, वो पासिंग पास होने के लिए बहुत नेसेसरी है, क्वालिफाई नेचर का है वो। तो मैथ्स पढ़ लो, रीजनिंग पढ़ लो, साइंस पढ़ लो, जीके करंट अफेयर्स पढ़ लो, और साथ में क्या पढ़ लो, जो आईटीआई पढ़ रहे हो। बहुत ज़्यादा फोकस मत करो इन चीज़ों को, आप है ना बिल्कुल बेसिक बेसिक पढ़ लो एक बार, बहुत डीप में जाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि नए लोग हो तो डीप में जाओगे तो फंस जाओगे। नए नए हो, आराम से पढ़ो, चीज़ों को कम पढ़ो लेकिन कंसेप्ट के साथ पढ़ो। ठीक है, गवर्नमेंट जॉब से आपको कोई नहीं रोक पाएगा दोस्तों। ठीक है, चलते हैं, मिलेंगे जल्दी अगली वीडियो में। गुड बाय।